हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे, और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है छत पर झाड़ू लगाने के साथ। तो दोस्तों, नीचे हमने झाड़ू लगा दिए, नीचे के सारे काम हमने निपटा लिए हैं। उसके बाद आ गए हैं ऊपर, क्योंकि कल खाना बना था तो रसोई की पुताई भी करनी थी, तो यहाँ पर रसोई की पुताई कर देते हैं। और सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा कोहरा था, लेकिन अभी इतना ज्यादा कोहरा नहीं है। और शाम को सारे काम तो कर डालते हैं, लेकिन चूल्हे की पुताई ज्यादातर हम सुबह ही करते हैं। तो सारे काम निपटा लिए हैं, बस चूल्हे की पुताई ही रह गई थी। तो सफेद मिट्टी हमने डाल दी है, हमारे यहाँ तो छुई बोलते हैं, तो उसी से अपनी रसोई की पुताई करेंगे। और दिन भर बहुत ही ज्यादा हवाएं चलती हैं, तो छत पर कूड़ा भी बहुत ही ज्यादा हो गया था। तो पूरी छत पर हमने झाड़ू लगा दी है, उसके बाद जो है अपनी रसोई की हमने पुताई भी कर दी है। अब जा रहे हैं नहाने के लिए, और यहाँ पर तब तक मम्मी ने जो है सब्जी भी काटने की तैयारी शुरू कर दी है। और आज बनेगी मिक्स सब्जी, सोया मेथी है, बैंगन है, सेम है, गोभी है, आलू है। और ये वाली सब्जी ना हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, सूखी सूखी सब्जी, तो मम्मी ने तब तक काट दी है। और सोया मेथी, मटर, ये सारी चीज़ें तो हमारे खेत से आई थी, लेकिन सेम ये जो है कल बाजार से लेकर आए थे। तो यहाँ पर मम्मी ने सब्जी काट के रख दी है, और हम यहाँ पर नहाकर आ चुके हैं। तो पहले हम मसाले ही पीस लेते हैं, और ऐसे क्या होता है एक एक डिब्बा ऊपर लेकर जाना पड़ रहा था, तो हमने सोचा सारे मसालों को हम इसी में पीस लेंगे। तो हल्दी भी हमने इसी में डाल दी है, लहसुन की पत्तियां थी, धनिया, काली मिर्च, जीरा, यही सारी चीजें होती है मसाले में। और हमारे यहाँ शुरू से ही पिसे हुए मसाले का ही प्रयोग किया जाता है, सिलबट्टे पर पीस कर ही मसाला जो है डाला जाता है सब्जी में। इससे जो है सब्जी का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद हम आ गए हैं छत पर, यहाँ पर सारे सामानों को भी हमने ऊपर चढ़ा लिया है। उसके बाद अब जा रहे हैं चूल्हा जलाने के लिए। और दोस्तों, आज भी हमारे यहाँ गैस नहीं मिल पाई है किसी कारणवश, तो चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। तो खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों को हम दिखाते भी रहते हैं कि ज्यादातर खाना हमारे यहाँ चूल्हे पर ही बनता है। बस ये होता है कि सामान उतारना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चूल्हा जला देते हैं। मसाला तो हमने नीचे ही पीस लिया था, सब्जी भी हमारी जो है कट चुकी थी, उसको धुलकर ले आए हैं और एक बार फिर ऊपर धुलेंगे। कई पानी से हमने नीचे भी धुला था, एक बार फिर ऊपर धो लेंगे। तो पहले चूल्हा जला देते हैं। मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यानी हल्की हल्की सी बदली तो है, लेकिन लग रहा है कि मौसम साफ हो जाएगा। तो एक बार फिर से यहाँ पर हम सब्जी को धो लेते हैं।
और करीब ये 7:30 बजे का या 8 बजे का समय होगा, तब सारी तैयारी हमारी हो गई है, बस खाना बनाने के लिए ही रह गया है। और आज हमने कपड़े भी धुल डाले थे और कपड़े धुलने में ही थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है, तो जल्दी जल्दी लग गए हैं, क्योंकि ये जब तक है अभी आएंगे, योगा करेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद चले जाएंगे नहाने के लिए, उतनी देर में हमको खाना बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर तेल डाल दिया हमने कढ़ाई में, इसके बाद डाल दिया है लहसुन, तो मसाले हमने डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें डाल देते हैं नमक और इसको थोड़ी देर पकाते हैं, जब तक कि तेल अलग ना हो जाए, मसाले अलग ना हो जाए, और उसके बाद तब इसमें हम सब्जी डालेंगे। तो काफी देर तक हमने मसालों को पकाया था। तो यहाँ पर सब्जी हमने डाल दी है और काफी देर तक चलाया था, वीडियो की स्पीड तो बढ़ानी ही पड़ती है, तो उसको फिर हमने ढक दिया है। और इस सब्जी में पानी नहीं डाला जाता है क्योंकि इसमें भी काफी पानी निकलता है, और तब तक हम चाय पी लेते हैं। मम्मी बार बार कह रही थी चाय पी लो, क्योंकि चाय जो है नीचे ही बन गई थी, वो जो बिरौसी रखी ना उसी पर ईंटे रखकर, वो ऊपर ही उठा लाए हैं, चाय को कर लिया है गर्म, उसके बाद चाय पी लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए आकर, क्योंकि मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है अभी, और अभी तो नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी धूप निकलेगी, लेकिन दोपहर तक निकल आएगी। तो यहाँ पर इनके पापा योगा कर रहे थे, तो खुद करके बता रही हैं कि योगा कैसे किया जाता है। और ये देखें, ये दोनों लोग ऊपर ही आ जाते हैं और योगा करते हैं, वो तो खेल में रहती हैं। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हम आ गए हैं, सब्जी को एक बार फिर से चला देते हैं, टमाटर डाल देते हैं काट कर। तो पहले हमने टमाटर को धुल लिए हैं, उसके बाद काट लेते हैं। और सोया मेथी की सब्जी तो आप लोग बनाते ही होंगे, लेकिन हमारे यहाँ मिक्स सोया मेथी की सब्जी बनती है, तो जो कि हमारे यहाँ सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस इसी तरह अब हम खुला पकाएंगे, मतलब बंद करके नहीं चलाएंगे इसको, खुला चलाते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो दोस्तों सब्जी हमारी बन चुकी है, उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की रोटी, क्योंकि ये आ चुके थे तैयार होकर, बस फटाफट से इनके लिए रोटी तैयार कर देते हैं, बाकी की रोटी हम बाद में बनाएंगे, यानी गेहूं के आटे की, तो इनके लिए फिलहाल हम बना देते हैं, क्योंकि हम लेकर तो आए थे आटा, लेकिन टाइम हुआ जा रहा था, तो हमने कहा फटाफट से इनके लिए बाजरे की रोटी बना देते हैं, क्योंकि इनको बाजरे की, ज्वार की, मक्के की रोटी ज़्यादा ही पसंद है और इस सब्जी के साथ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म बाजरे की रोटी खा लीजिए आकर। और दोस्तों सुबह के काम इतनी जल्दी में करने होते हैं कि समझ में ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें, और सबसे जो मेन काम होता है वो खाना का ही होता है, तो हमने कहा चलो पहले खाना ही तैयार कर देते हैं, और हमको बनाना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी फिलहाल हम सब्जी रोटी ही तैयार कर रहे हैं, बाद में धीरे धीरे हम करते जाएंगे। और इनका जो है टाइम भी हुआ जा रहा है, और उसके बाद ये खाकर चले गए थे। यहाँ पर हमने पतीली में रख दिया है पानी, और यहाँ पर पालक कटी हुई रखी है, और इधर है उड़द की दाल, वो भी हमने साफ करके रख दी है। हम बनाने जा रहे हैं सतपैता, यानी उड़द की दाल में पालक को डालकर। तो यहाँ पर पतीली में हमने रख दिया था पानी, अदहन जब हो गया है तो दाल को धुल के हमने डाल दिया है और बंद कर दिया है। और ये देखिए एक उबाल आ गई है, तो जो छिलकी होती है और जो गंदगी होती है ना किनारे किनारे, उसको हम निकाल देते हैं। और इसको तो माड़ ही बोला जाता है, चावल का माड़ या दाल की माड़, तो पहले के ज़माने में ऐसे ही निकाला जाता था, जितनी भी छिलकी होती थी ना निकल के आ जाती हैं बाहर, तो उनको निकाल दिया जाता है। उसके बाद इसमें डाल देते हैं कटी हुई पालक, तो ये खेत से ही आई थी लेकिन थोड़ा सा कम थी, लेकिन हमने फिर भी बना दी है। उसके बाद नमक डाल दिया है, हींग को घोल कर डाल दिया है, और एक बार फिर से चला देते हैं, बंद कर देते हैं, ये पका करेगी आराम से। और तब तक हम जो है धीरे धीरे तैयारी कर लेते हैं, जैसे लहसुन को छील के रख लेते हैं, मिर्च को काट के रख लेते हैं।
और दोस्तों जब दाल आधी पक जाती है ना तो उसमें अरिहन लगाया जाता है, यानी मक्के के आटे को घोलकर डाला जाता है, बाजरे के आटे को घोलकर डाला जाता है और गेहूं के आटे को भी घोल के डाल दिया जाता है, जैसे जिसके यहाँ डाला जाता हो। तो हमने ले लिया था जो है बाजरे का थोड़ा सा आटा, उसको घोल के हमने डाल दिया है और उसके बाद काफी देर तक पकाना पड़ता है। तो दाल हमारी बन चुकी है, निकाल के हमने रख दिया है और पतीली में हमने फिर से पानी रख दिया है चावल बनाने के लिए। तो जब पानी गर्म हो गया था यानी चावल का अदहन हो गया था तो चावल धुल के ले आए हैं, चावल को भी डाल देते हैं और अब जा रहे हैं तड़का लगाने के लिए। तो लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च और जीरा का तड़का लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पालक दाल हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, सतपैता भी बोल सकते हैं आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोला जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों चावल भी हमारे बनकर हो गए हैं तैयार, रोटी रह गई है तो आटा हमने लगा लिया है गेहूं का भी और थोड़ा सा बाजरे का भी। और अब सबके लिए रोटी बना लेते हैं, पापा जी के लिए बाजरे की बनाएंगे, सबके लिए गेहूं की रोटी बनाएंगे और दाल के साथ तो वैसे बाजरे की रोटी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर फटाफट से रोटी तैयार कर लेते हैं और हमारा खाना पूरा बनकर हो गया है तैयार। और आप लोग सोच रहे होंगे हस्बैंड जी चले गए उसके बाद खाना बना रही है, तो इतनी जल्दी इतना सारा खाना नहीं बन पाता। वो कह भी रहे थे केवल सब्जी रोटी ही खाएंगे क्योंकि सुबह सुबह नहीं खाते हैं, केवल सब्जी रोटी ही खाते हैं। तो पूरा खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है और कभी कभी हो भी जाता है कि जैसे कुछ ज्यादा खाना बनना होता है ना तो उनके लिए पहले बन जाता है, उसके बाद हम आराम से बनाते रहते हैं तो फिर चिंता नहीं लगी रहती है। तो दोस्तों बाजरे की रोटी गर्मा गर्म तैयार हो रही है और आज हमने थोड़ा सा पतली पतली सी बनाई है, मोटी भी बनाई है। तो आप लोग भी आ जाइए, दाल, चावल, सोया मेथी की सब्जी और बाजरे की रोटी खा लीजिए आकर दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको खाना कैसा लगा। तो दोस्तों अब है करीब 3 या 3:30 बजे का समय है और इस समय हम आ गए हैं खेतों पर। तो आज बहुत दिनों के बाद आए हैं खेतों पर क्योंकि शायद मकर संक्रांति के पहले आए थे, आप लोगों को दिखाया भी था, उसके बाद आज आए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी जो है हरियाली है, ये देखिए पीछे का नज़ारा हमारे, क्योंकि खेतों में गेहूं बोए गए हैं तो गेहूं जो है बड़े बड़े से हो गए हैं और सीधी धूप हमारे चेहरे पर ही पड़ रही है क्योंकि बहुत ही अच्छी खिली खिली सी धूप निकली है और बारिश हुई थी उसके बाद धूप निकली हुई है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पर गाजर की खुदाई की जा रही है, गाजर आप लोगों को पहले के वीडियो में दिखाते थे ना, ये देखिए ये गाजर की खुदाई हो रही है क्योंकि खेत को खाली करना है तो अब बड़ी होने का इंतजार नहीं किया जाएगा, कुछ इस तरीके से खुदाई की जाती है। और इस बार क्या हुआ कि हमारी जो गाजर है ना थोड़ा सा मोटी मोटी कम हुई है, पतली है और थोड़ा सा छोटी है, लेकिन फिर भी घर में होती है तो फिर चल जाता है, चाहे हलवा बनाओ चाहे किसी सब्जी में डालो कुछ भी करो इनका। तो वही आज इतनी सारी जो है इनकी खुदाई हुई है तो हम देख रहे थे कितनी बड़ी बड़ी बैठी हैं, मतलब कितनी बड़ी बड़ी हुई है और हमसे देखिए एक गाजर कट भी गई और जो बड़ी थी ना वही कटी खुरपे से और जो छोटी थी वो तो निकल आई थी। और हमने कहा देखिए जैसे ही हमने हाथ लगाया वैसे ही एक नुकसान हो गया है। तो दोस्तों आप लोग भी दौड़े दौड़े चले आइए खेत की ताजी ताजी गाजर खाइए आकर। वैसे तो अपने अपने घरों में सभी लोग खाते हैं लेकिन खेत में खाने का मजा ही अलग होता है। और ये जो मटर है ना ये मीठी वाली है, खाने में मीठी लगती है और खेत में खाने का मजा ही अलग होता है। तो आप लोग भी आ जाइए खेत की ताजी मीठी मटर खाइए आकर। दोस्तों ये है अजवाइन के पौधे और अभी जब इनमें अजवाइन लगेगी तब आप लोगों को दिखाएंगे। और ये है कलौंजी के और ये देखिए कलौंजी में जो ये देखिए छोटे छोटे से फूल लगे हैं ना इन्हीं में बीज बनेंगे। तो पिछले साल भी आप लोगों को दिखाया था कलौंजी के पौधे, ये कलौंजी के हैं, ये अजवाइन के हैं और इधर धनिया है और यहाँ पर ये बाद में ननद जी ने बोए हैं, ये छोटे छोटे से हैं अजवाइन, ये भी अजवाइन है पर ये बाद में बोई गई है तो ये छोटी सी है। छोटे छोटे पौधे भी तैयार हो रहे हैं।
तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर हम दिखा रहे हैं जीरा के पौधे। जी हाँ, ये जीरा के पौधे हैं और इनमें जो छोटे छोटे से कली जैसी लग रही ना, ये जीरा ही है। जैसे कि सौंफ निकलती है ना पौधे में, वैसे ही जीरा निकलते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जो जीरा के पौधे हैं ना, बोए तो बहुत सारे गए थे लेकिन दो तीन पौधे ही जो है अब तक चल पाए हैं और बाकी तो बारिश में ख़राब हो गए थे। तो चलिए हमने आप लोगों को दिखा दिया है जीरा के पौधे। जिन लोगों ने नहीं देखे होंगे उन लोगों ने देख लिए होंगे। और यहाँ पर ये है चने का साग जिनमें कि फूल निकलने लगे हैं। और ये देखिए कितना सुहाना मौसम है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा खूबसूरत, ऐसा मनोहर नज़ारा जिसको देखते ही मन अपने आप खुश हो जाए। सच में है ना खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर भी लहसुन बोए गए हैं और इस समय तो लहसुन बहुत ही ज़्यादा महंगा है। आप लोगों के यहाँ क्या भाव है लहसुन का? तो लहसुन तो आता है मगर पत्तियाँ भी काम कर जाती हैं। अगर पत्तियाँ पीस कर या काट कर डालो तो वैसा ही स्वाद मिलता है। तो इनकी पत्तियाँ हमने कुछ तोड़ी हैं। वैसे रोज़ सब लोग आते ही हैं तो जाती रहती हैं हरी धनिया लहसुन की पत्तियाँ, और सब्जियाँ भी रोज़ डेली सुबह ही जाती हैं, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ। और हमारे खेतों में भी वही फूल लगे हैं जो कि हमारी छत पर आप लोगों को दिखे होंगे। तो ये देखिए बिल्कुल वही फूल के पौधे हैं और इतने बड़े बड़े होंगे। जब छत पर भी बड़े होंगे तो इतने ही बड़े बड़े पौधे हो जाएंगे फूलों के। तो इसके बाद चलिए चलते हैं घर, देखते हैं कितनी गाजर जो है खुदाई की गई है। और शाम के समय ना खेतों का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत लगता है और इस समय धूप निकल आई है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी 4 या 4:30 बज गए होंगे, हम लोग काफ़ी देर से थे खेत पर। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं घर पर क्योंकि गाय भी यहीं पर बंधी है और हमारी जो लक्ष्मी है वो भी यहीं पर बंधी है अपनी मम्मी के साथ में। तो इन दोनों लोगों को भी घर पर ही ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ननद जी जो है सब्जियों को इकट्ठा कर रही हैं, गाजर मूली मटर धनिया लहसुन की पत्ती सब इसी में कर ली जाएगी। उसके बाद चल रहे हैं घर क्योंकि जो है गैया भी हमारी यहीं पर बांधी जाती है। और यहाँ पर ये देखिए हमारी लक्ष्मी जो है ये भी चली आती है अपनी मम्मी के साथ में क्योंकि इनकी मम्मी इनको एक पल के लिए भी जो है अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहती हैं। वो ऐसे आती भी नहीं है तो साथ में अपनी बिटिया रानी को भी लाती है। और वहाँ पर बहुत ही अच्छी धूप निकलती है इसीलिए वहाँ पर जो है बांधा जाता है। और उसके बाद हम भी घर आ गए थे तो यहाँ पर कपड़े पड़े हुए थे वो उतार कर रख लेते हैं। नीचे हमने झाड़ू लगा दी है और ये देखिए सूर्य देवता जो है बस अब जाने ही वाले हैं, अंधेरा बस होने ही वाला है। तो सारे कपड़ों को हमने जो है उतार लिया है, जो गीले कपड़े थे वो अंदर फैला दिए हैं। तो यहाँ पर कपड़ों की तह बना लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। इसके बाद हमको खाना भी बनाना है। और ये सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे कामों की गिनती में आते ही नहीं है। सारे दिन तो इन्हीं कामों में, छोटे मोटे कामों में निकल जाता है लेकिन वो हमारे समझ में नहीं आते हैं। हमको सिर्फ बड़े बड़े काम ही दिखते हैं और पता ही नहीं चलता समय कैसे चला जाता है, वो चाहे बड़ा दिन हो चाहे छोटा दिन हो। और उसके बाद यहाँ पर चारू की पढ़ाई चल रही है। मम्मा हमने कर लिया। कर लिया? हाँ। दिखाओ। जी देखो। सीधा करके दिखाओ। जी देखो। तो चलिए चारू को करने देते हैं पढ़ाई, उसके बाद हम भी लग जाते हैं खाना बनाने में, देखते हैं क्या बनता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं कि जो है मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।